हेलो दोस्तों, सुनील आर्ट टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत लोग का कन्फ्यूज रहता है कि कलर हम मिक्सिंग कैसे करें, कौन कौन कलर से कौन सा कलर बनता है। आज की इस वीडियो में उसी के बारे में हम बताएंगे, मुख्य मुख्य कलर मिक्सिंग के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ब्लैक है, वाइट, रेड, पीला और ब्लू सभी वाटर कलर हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पीला और ब्लू ले लेंगे। ध्यान में रहे कि जो भी कलर हम मिक्स करेंगे, पहले हल्का कलर को डालेंगे, इसके बाद डीप कलर को डालेंगे, तभी कलर मैचिंग होता है, नहीं तो फिर ये देखिए इस तरह का ये बन गया हरा। पीला और ब्लू मिलाएंगे तो दोनों कलर मिक्स होके हरा बन जाता है। इसके बाद ब्रश को साफ कर लेंगे ताकि दूसरे कलर में मेरा डिफरेंस कलर ना आए। इसके बाद हम ले लेंगे लाल और ब्लू, रेड और ब्लू। हर समय ध्यान में यही रहे कि हम हल्का कलर डालेंगे, इसके बाद में डीप कलर डालते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ज़रूरत के हिसाब से कलर डालेंगे। ये सभी वाटर कलर हैं और ये दोनों रेड और ब्लू मिला करके ये मेरा हो गया लिलाक, जो कि हम पर्पल कलर भी उसको बोलते हैं, बैगनी कलर। पीला और पीला डालेंगे, इसके बाद रेड। उसी तरह से मिला लेना है सब कलर को। दोनों कलर मिक्स करके मेरा कलर बन गया अब ऑरेंज कलर। पीला और रेड मिलाएंगे तो मेरा ऑरेंज कलर बनता है। नेक्स्ट हम ले लेंगे लाल और वाइट। पहले वाइट डालेंगे, इसके बाद हम डालेंगे रेड। ये हो जाएगा पिंक कलर। दोनों को मिक्स करेंगे तो ध्यान में रहे, वाइट डालेंगे तीन गुना तो रेड डालेंगे एक गुना, तो पिंक कलर बनता है। इसके बाद हम ले लेंगे वाइट और ब्लैक, जो कि मेरा वाटर कलर नहीं था, इसके लिए हमने स्टेनर का प्रयोग कर रहा हूँ। नॉर्मल ब्लैक कलर नहीं मिलता है, पेंट मिलता है लेकिन अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने स्टेनर का प्रयोग करेंगे। पहले वाइट डालेंगे, एक ग्रे कलर बनाने के लिए हमें चार गुना वाइट डालेंगे तो एक गुना ब्लैक डालेंगे, इसके बाद मेरा बन जाएगा ग्रे कलर, सीमेंट ग्रे कलर, सीमेंट कलर भी बोल सकते हैं या ग्रे कलर बोलते हैं उसको। देखिए इस तरह से बन हो जाता है तैयार, दोनों मिक्स करके वाइट और ब्लैक। इसके बाद हमने डालेंगे रेड और ब्लैक। इसका भी वही नियम है ब्राउन कलर बनाने के लिए, चार गुना रेड डालेंगे और एक गुना ब्लैक डालेंगे तो ये बन जाता है ब्राउन कलर। ध्यान में रहे, कलर को याद रखना जरूरी है।
इसके बाद और एक ब्राउन कलर बनता है जो कि रेड पीला और ब्लू मिलाएंगे तो ये भी ब्राउन कलर बनता है, लेकिन ये थोड़ा हल्का ब्राउन बनता है। ब्लैक और रेड मिलाया ना, उसी तरह से ये थोड़ा सा डिफरेंस कलर होता है। देखिए इस तरह का मेरा कलर बन जाएगा। दोस्तों हरा कलर भी होता है, लेकिन हरा अगर ना रहे तो पीला कलर बना सकते हैं, ब्लू और पीला मिला करके। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।